गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पते का पटाखा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। ये प्रश्नोत्तर आपको पेज नंबर 34 में मिलेगा। तो इसमें है, घर कैसे जाओगी। यहाँ क्वेश्चन है, घर कैसे जाओगी, और नीचे तीन सवारी का चित्र दिया गया है। सबसे पहले है रिक्शा, उसके बाद है साइकिल, यहाँ एक बच्ची खड़ी है और साइड में बस लगी हुई है। तो यहाँ इस बच्ची से पूछा जा रहा है कि घर कैसे जाओगी। तो यहाँ नीचे है, मैं डैश जाती हूँ, यानी ऊपर जो चित्र दिखाया गया है सवारी का, जैसे रिक्शा, साइकिल, बस, इन में से कुछ भी सवारी का नाम यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ है, मैं रिक्शा से जाती हूँ। फिर नीचे है, तुमने इन में से किसकी सवारी की है, सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सवारी, तो इसके नीचे सवारियों का नाम है, जैसे रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, स्कूटर और भैंस। तो इन सवारियों में से किसकी सवारी आपने की है और किसकी नहीं की है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ है सवारी का नाम, सवारियों का नाम, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। अगर आपने सवारी, इन सवारियों में से जिनकी सवारी की है वहाँ हाँ सही का निशान लगाना है, और जिसकी सवारी आपने नहीं की है कटे का निशान लगाना है। तो सबसे पहले सवारी में है रिक्शा, तो रिक्शा की सवारी तो आपने की ही होगी, तो यहाँ पे सही का निशान है और यहाँ पे कटे का निशान हो जाएगा। उसके बाद है बस, तो बस की भी सवारी आपने की होगी, यहाँ पे सही का निशान है और यहाँ पे कटे का निशान हो जाएगा। फिर है रेलगाड़ी, तो कहीं आने जाने में हम रेलगाड़ी की भी सवारी की ही होगी, तो यहाँ पे सही का निशान है और यहाँ पे कटे का निशान हो जाएगा, क्योंकि जिसकी सवारी मैंने नहीं की है वहाँ पे कटे का निशान लगा देना है। यहाँ है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी की सवारी हमने की है या नहीं की है, अगर की है तो सही का निशान हो जाएगा और नहीं की है तो कटे का निशान हो जाएगा। तो यहाँ पे कटे का निशान है और यहाँ पे सही का निशान लगाया गया है। यहाँ है साइकिल, फिर है साइकिल, तो साइकिल की सवारी हमने की होगी, तो यहाँ पे सही का निशान है और यहाँ पे कटे का निशान हो जाएगा। फिर है ऊँट, तो ऊँट की सवारी हमने नहीं ही की होगी, तो यहाँ पे कटे का निशान हो जाएगा और यहाँ पे सही का निशान हो जाएगा। इसके बाद है स्कूटर, तो स्कूटर की सवारी तो हमने की ही होगी, तो यहाँ पे सही का निशान है और यहाँ पे कटे का निशान हो जाएगा। फिर है भैंस, तो इसकी सवारी तो हमने नहीं ही की होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कटे का निशान, चूँकि जिसकी सवारी हमने नहीं की है वहाँ पे कटे का निशान लगाना है और जिसकी सवारी हमने की है वहाँ पे सही का निशान लगाना है। तो ठीक है बच्चों, ये प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे।